अल्लाम मैं हूँ कैचिल आरफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारू अब वकी बार नाचीन नाज़ आज हम बात करेंगे ये जो वीडियोस लीक होने का सिलसिला शुरू होता है हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई नई वीडियो लीक हो रही होती है किसी सेलिब्रिटी की हो रही होती है किसी एक्टर की हो रही होती है रिसेंटली वीडियो एक लीक हुई है मारिया वास्ती की जिसमें वो अपने किसी दोस्त के साथ हैं एल्कोहल ड्रिंक कर रही हैं बाकायदा तौर पर उनके हाथ में बॉटल देखी जा सकती है और वो बिल्कुल नशे की स्टेट में है और उस स्टेट में उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है अब सोशल सोशल मीडिया जितने भी सार्फी हैं उन्होंने उस पर तनकीद करना शुरू कर दिया अक्सर यही होता है इससे कबल भी बहुत सारे जो लोग हैं उनकी वीडियोज इस तरह लीक हो जाती हैं हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी हैं बहुत सारी एक्ट्रेस होती हैं एक्टर्स होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी भी वीडियो लीक हो जाती हैं आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे कि चाहे उस लीक वीडियो में कोई भी बंदा जो भी कर रहा हो लेकिन वो वीडियो लीक किस तरह से हो जाती हैं तो एटलीस्ट आप जितने भी एक्टर्स हैं वो जिन लोगों के साथ होते हैं उस टाइम अपने पर्सनल मोमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं अपनी पर्सनल स्पेस में होते हैं ऐसे लोगों के साथ होने चाहिए और वो वीडियो अगर बना रहे हैं पिक्चर क्लिक कर रहे हैं पहले तो ना करें अगर कर भी रहें तो ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए कि जो ट्रस्ट वर्दी हों जो कि बाद में जाके उनकी कोई भी वीडियो या पिक्चर लीक ना करें अच्छा मुझे याद है कि काफ़ी पहले मायरा खान की एक पिक्चर लीक हुई थी जिसमें वो रणवीर कपूर के साथ थी और उन्होंने एक बैकलेस ड्रेस पहना हुआ था उनके पीछे से पिक्चर लीक हुई थी विंडो के पास बैठी हुई थी तो वहाँ हमने देखा कि कितने सारे लोगों ने उनको ट्रॉल किया फिर उसके बाद जो है अलीज़े शाह की काफ़ी सारी पिक्चर्स वो लीक हुई थी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज बनी थी और एक पिक्चर में वो स्मोक कर रही थी या पता नहीं जॉइंट लगा रही थी तो इस तरह से उनकी एक पिक्चर थी जो कि लीक हो गई थी और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने ट्रॉल करना स्टार्ट कर दिया था अच्छा इसके अलावा अगर हम ये देखें कि पहले टाइम पर भी इस तरह स्कैंडल्स बनते रहे पिक्चर्स लीक होती रही हैं मीरा जी की हम बात करें कि मीरा जी वैसे अपनी के लिए हाँ से तो बड़ी मशहूर लेकिन स्कैंडल के लिहाज से भी बहुत ज्यादा मशहूर है आ, काफी सारी उनकी तरह की जो पिक्चर्स हैं, उनके एक्स हस्बैंड के साथ बॉयफ्रेंड्स के साथ जो है वो लीक होती रही हैं, उनके स्कैंडल्स बनते रहे हैं आ, इसके अलावा हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पर चीज़ें लीक हो जाना वीडियो लीक हो जाना पिक्चर्स लीक हो जाना या आप अपने पर्सनल स्पेस में हैं कोई छुप के आपकी वीडियो बना ले तो और फिर जो है वो वायरल कर देते हो तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है अब यहाँ बात ये है कि ये जितने भी लोग हैं जो भी लोग हैं जो भी अपने पर्सनल मोमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं अगर आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं है कि इनको मज़ीद आगे शेयर किया जा सकता है या फिर आम आवाम को दिखाया जा सकता है तो अव्वल तो आप ना क्लिक करें पिक्चर्स या वीडियोज़ ना बनाएं लेकिन अगर आप बना आते हैं तो एटलीस्ट ऐसे लोग होने चाहिए कि जो कि आपकी पर्सनल चीज़ों को आगे जाके ना वायरल करें ना शेयर करें यहां हम देखें कि कितने सारे जो लोग हैं हमारे एक्टर्स हैं आम आवाम होती है लड़कियां होती हैं उनकी वीडियोस पिक्चर्स लीक हो जाती हैं बड़ी परेशान होती हैं बहुत लोग डिप्रेशन में होते हैं और इसकी सबसे ज्यादा अच्छी ये बहुत बढ़िया हम एग्जाम्पल कहें तो हमारे पास आमिर याकत ही है किस तरह से आमिर लियात की एक वीडियो लीक होती है हालांकि वो उस टाइम अपनी बीवी के साथ निकाह में थे और जो भी कर रहे थे तो बीवी ने उस टाइम वीडियो बना ली और बाद में एज ए रिवेंट जो है वो उसको यूज़ किया और उसको लीक कर दिया और फिर आमिर लियात की क्या रेपूटेशन रही और वो कितना डिप्रेशन में थे तो वो तमाम चीज़ें भी जो हैं वो हम देखते हैं तो आ, ये जो सिलसिला चल रहा है वीडियोस बनती हैं लीक हो जाती हैं तो इनको देखने की ज़रूरत है कि हम सबको इंडिविजुअली अपना ख़्याल ख़ुद रखना चाहिए और इसके अलावा जो लड़कियाँ होती हैं जिनकी हो जाती है तो एटलीस्ट वो जो है वो जाके केसेस रिपोर्ट करें साइबर क्राइम में जाएँ और वहाँ पर प्रॉपर विंग बना हुआ है जहाँ पर जाके आप जो है वो अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं अपना केस फाइल कर सकते हैं तो वो तमाम चीज़ें भी जो है अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के पास कि जाके किस तरह से केस फ़ाइल किया जा सकता है और अगर हम एक्टिस की बात करें तो एटलीस्ट आप साथ के साथ हो कि जो आ, ट्रस्ट फर्दी हो और आपकी जो पर्सनल चीजें उनको मजीद आगे शेयर ना करें अच्छा नाचविन अच्छा, अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये चीज देखें कि ना सिर्फ एक्टर्स ये सेलिब्रिटीज हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस चीज से नहीं बच सके कितने सारे पॉलिटिशन होते हैं उनकी पर्सनल वीडियोस लीक हो रही होती हैं पर्सनल पार्टीज़ वो जो अपने घर में अरेंज करते हैं या फार्म हाउसेस में अरेंज करते हैं तो वो चीज़ें भी तमाम सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं इसके अलावा हम ये देखें मुफ्ती अब्दुल कवि थे और जिस तरह से कंदील बलोच के साथ उनका स्कैंडल बना वो तमाम चीज़ें भी सोशल मीडिया पर आई थी और इसके अलावा हरीम शाह की हम बात करें तो उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ सामने आ रही थी और वो ख़ुद भी काफ़ी लोगों को एक्सपोज़ करती थी अच्छा ये जो सिलसिला है ये मैं देखती ज्यादातर जो है वो औरतों की इस तरह से वीडियोज आ रही होती हैं अगर हम ये देखें कि किस तरह से लड़कियों को आ, इन तमाम चीजों से ब्लैकमेल किया जा रहा होता है टिकटॉक की अगर हम बात कर लें तो कुछ आ, साल कबल जो है ये ट्रेंड चला था कि जितनी भी जो फेमस टिक थी थीं उनकी ऐसी पिक्चर्स सामने आ रही थी नाजेबा किस्म की नेकड पिक्चर्स सामने आ रही थी और फिर बाद में जब देखा तो काफ़ी सारे जो थी वो चीज़ें फ़ोटोशॉप करके जो है वो पिक्चर्स को वो लगाया गया था फोटो फ़ोटोशॉप्स की जा रही थी लड़कियों की इमेज डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको ब्लैकमेल करने के लिए लेकिन आखिरकार ये हुआ कि वो जो लोग कर रहे थे तो इंडिविजुअली वो लोग पकड़े गए तो ये तमाम चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पे जो है वीडियोस लीक हो जाती हैं पिक्चर्स लीक हो जाती हैं जिनकी वजह से बंदा जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चला जाता है डिप्रेश डिप्रेशन में चला जाता है तो ये तमाम चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं इसके अलावा वो हमारे पॉलिटिशन्स या हम कहें कि वो लोग आ, जो वैसे हमें बड़े सीरियस किस्म के नज़र आते हैं लेकिन अक्सर ऐसी वीडियो सामने आ रही होती हैं जिनमें हम देखते हैं अच्छा रीसेंटली लिए एक वीडियो जो है कुछ दिन पहले की सामने आई थी चौधरी शुजात साहब जो है वो बीच में बैठे हुए थे पूरी उनकी उनके साथ उनकी टीम थी काफी सारे लोग मौजूद थे और बीच में जो एक खातून थी कोई मुजरा करने वाली थी और वो बीच में डांस कर रही थी तो लोगों ने इस चीज पर भी बड़ी तनकीद की है कि आप जो है ये तमाम चीजें कर रहे हैं और उसके अलावा ये आप सबको दिखा भी रहे हैं यहाँ हम देखें कि पूरे लोग तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी है आ, बात ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ, हर बंदे की पर्सनल होती हैं चाहे वो आ, इस, किसी के लिए ठीक हो किसी के लिए नहीं ठीक हो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो स्मोक करते हैं काफ़ी सारे लोग जो है वो स्मोक को बहुत बुरा समझते हैं कुछ ड्रिंक करते हैं कुछ नहीं करते हैं लेकिन आ, हर किसी की अब हम ये इम्पोज नहीं कर सकते कि आप ये करें या वो करें लेकिन वीडियोज़ लीक करने का ये जो सिलसिला है किसी भी बंदे की पर्सनल चीज़ों को लीक करना बिल्कुल गलत है इसकी हम किसी तौर पे भी वो नहीं कर सकते कि हाँ जी ये ठीक हुआ या गलत हुआ है यहाँ इस चीज़ को देखें कि अब जिन लोगों के साथ होता है वो इसको किस तरह से कोप अप कर सकते हैं लड़कियों के साथ हो रहा है तो वो सर सी बात है साइबर क्राइम में जाएंगी अपने आप जो केस है वो फाइल करेंगी इसके अलावा अगर हम यहाँ बाकी लोगों की देखें तो आप पर्सनली भी ऐसी चीजें ना करें कि अगर वो पब्लिक हो जाती हैं तो आपको किसी भी शर्मिंदगी का बाइस बने वो आपके लिए उनके थ्रू आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो देखने वाली थी और आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस कर सकें कंप्लीटली फिर चाहे वो हमारे एक्टर्स हों सेलिब्रिटीज हों पॉलिटिशियंस हों या आम आवाम या फिर वो लड़कियाँ जो टिकटॉक यूज़ कर रही होती हैं या इन्फ्लुंसर्स बनी होती हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे तो ये चीज़ जो है ये वीडियोस लीक होना पिक्चर्स लीक होना ये चीज़ जो है वो आजकल हर बंदा ही तकरीबन फ़ेस कर रहा है तो इन चीज़ों से जो है वो ज़रा बच के रहें अव्वल तो ऐसी जो चीज़ें हैं पिक्चर्स या वीडियोस क्लिक ही ना करें और करते भी हैं तो फिर ऐसे लोग होने चाहिए या ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए आपके साथ जो भी लोग हैं जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कि वो आगे जाके इन तमाम चीज़ों को शेयर ना करें और अगर हो भी जाती हैं खुदा नास्ता या कोई बड़ा मसला बन जाता है तो आप साइबर क्राइम में जाके इसकी रिपोर्ट करें या केस फाइल करें या फिर कोई भी अपना केस जो है वो आप इस तरह से कर सकती हैं बजाय कि आप डर के मजीद ब्लैक होती रहें तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह बाद